हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए चिप्स की न्यू रेसिपी। एक दिन बनाइए और बस 9 दिनों तक इस रेसिपी को आप यूज कर सकती हैं। ये मेरी न्यू रेसिपी है। मैंने कितनी बार सर्च कर लिया पर इस रेसिपी को किसी ने भी नहीं बनाया है। न्यू रेसिपी देखना चाहते हैं तो जल्दी से इंडियन किचन क्वीन को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गैस को ऑन करना है, पैन में रिफाइंड ऑयल डाल करके गरम करना है। ऑयल जब गरम हो जाता है तो आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं या एक चिप्स डालकर आप देख लीजिए। चिप्स को डाल देंगे, सेकना स्टार्ट कर देंगे। जितनी भी क्वांटिटी में हमें बनाना है तो हम चिप्स सेक करके तैयार करेंगे। गरम ऑयल में चिप्स कितनी बढ़िया सेक करके तैयार होती है। यही आप ठंडे ऑयल में डाल दोगे तो वो कड़ी हो जाएंगे और उनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमने सभी चिप्स को सेक करके तैयार कर लिया है। चिप्स कुछ ज्यादा क्वांटिटी में है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और बच्चों को भी ज्यादा पसंद आती है, तो इसमें से कुछ चिप्स हम निकाल लेते हैं। बची हुई चिप्स को हाथों से चूरा बना लेंगे या फिर आप इस प्रकार के जो टिफिन के डब्बे आते हैं या लोटा वगैरह रहते हैं तो उनसे भी आप इनको प्रेस कर सकते हो। हमने मिक्सी में नहीं पीसा है क्योंकि मिक्सी में पीसने से बहुत ज़्यादा पाउडर बन जाता है, हमें उस प्रकार का पाउडर नहीं चाहिए। आप मिक्सी में पीसना चाहते हैं तो पीस के तैयार कर सकते हैं। हमने चिप्स का चूरा बनाकर तैयार कर लिया है। आप और भी पाउडर फॉर्म में करना चाहते हैं तो इसे पीस सकते हैं। आप चिप्स को तैयार कर लें तो उसका मेजरमेंट कर लीजिए, इसको बॉल्स में नाप लीजिए। मेरे दो बॉल्स भर चुके हैं, इसी मेजरमेंट से गुड़ लेना है। गुड़ डली वाला है तो आप ग्रेट कर लीजिए, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। जिस मेजरमेंट से चिप्स लिए हैं उसी मेजरमेंट से आप गुड़ ले सकते हैं। तो गुड़ थोड़ा कम है पर ग्राम में ये 500 ग्राम है। चलिए दूसरे पैन को गैस में रखते हैं और इसमें डाल देते हैं गुड़। डालते वक्त गैस की फ्लेम लो रखना है या फिर आपको गैस बंद ही रखना है। आपने गैस ऑन रखा था तो स्पैचुला या फिर चम्मच की मदद से गुड़ को उलट पुलट कर लीजिए। बाद में सिर्फ एक ही चम्मच पानी डालकर गुड़ को पिघलाएंगे। गैस की फ्लेम लो ही रहने दीजिए, गुड़ धीरे धीरे करके अपने आप मेल्ट होता जाएगा। जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होगा कुछ डलियां वगैरह रह जाती है तो अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे, या फिर स्पून या स्पैचुला चम्मच की मदद से आप उन्हें दबा करके और तोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं गुड़ कितने बढ़िया तरीके से मेल्ट हुआ है। हमें गैस की फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देना है। गुड़ में बढ़िया सी चाशनी बन करके तैयार हो गई है, इसे आप चेक कर सकते हैं। तो हाथों से चेक मत कीजिएगा वरना हाथ जल जाएगा। एक कटोरी में पानी ले लीजिए, थोड़ी सी चाशनी उसमें डाल करके देखिए। चाशनी को चेक करते वक्त गैस की फ्लेम लो रहने दीजिए या फिर किसी की मदद ले लीजिए। जब गुड़ इस प्रकार से जम जाए मतलब आपकी चाशनी परफेक्ट बन करके तैयार हुई है। एक चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से क्या होगा, चिप्स पाक में ना बहुत बढ़िया सी शाइनिंग आएगी और उसके साथ साथ घी मोयन का काम भी करेगा, जिससे हम जो मिठाई बना रहे हैं ना वो फटाक से टूट जाएगी, कड़ी नहीं बनेगी। कुछ देर चलाने के बाद हमने जो चिप्स क्रिस करके रखे थे उनको डाल देते हैं। चाशनी को चिप्स में अच्छे तरीके से मिलाइए ताकि जो भी जितने भी चिप्स हैं गुड़ सभी में लटपटा जाए। मिलाते वक्त गैस की फ्लेम लो रहने दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। मैंने भी गैस की फ्लेम को लो करके ही मिलाया है। आपको लौंग इलायची का फ्लेवर पसंद है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। कितनी बढ़िया तरीके से चिप्स चाशनी में मेल्ट हो गई हैं। कुछ देर रखने के बाद पाक बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकती हैं। थाली में ग्रीस पहले से ही करके रखे हुए थे, इसमें डाल देते हैं। इसे फैला देंगे, चम्मच से ना बने तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए और इसे सेट कर दीजिए। हमारा चिप्स पाक बन करके तैयार है। इस न्यू रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। नाइफ की मदद से कट लगा देंगे, जैसे बर्फी में लगाते हैं ना, बस उसी प्रकार से हमने बर्फी में कट लगा करके तैयार कर लिया है। कुछ देर रखते हैं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। मैंने 10 मिनट ही रखा था कि कितनी बढ़िया जम करके तैयार हुई है। आप इसे मार्केट में जो सेव पाक मिलता है ना डलियों वाला, उसके जैसा भी बना सकते हैं।
किनारे का थोड़ा सा कट कर देते हैं, तभी सही सेव आएगा। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया चिप्स पाक बन करके तैयार हुआ है। इस रेसिपी को जल्दी से फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस रेसिपी को नवरात्रि में एंजॉय कर सके। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।